कांग्रेस ने भी पंजाब विच चोण प्रचार पखा दिता है। अमृतसर च राहुल गांधी की शनिवार को रैली बाद ऐतवार को प्रियंका गांधी ने फतेहगढ़ साहब पटियाला चंडीगढ़ च रैलियां कीतियां। इस दौरान किसानों के मुद्दे को लेकर उन्होंने निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी रही। ये किसानों का प्रदेश है, किसानों की धरती है, किसानों ने ही हमारे देश को बनाया। आपकी मेहनत, आपके खून पसीने ने ही इस देश की धरती को सींचा है, हमें आत्मनिर्भर बनाया है। और हमारी राजनीति में स्वतंत्रता आंदोलन से पहले से भी हमेशा एक परंपरा रही है, किसानों के आदर करने की परंपरा, जिसमें हर नेता, चाहे किसी भी पार्टी का होता था, समझता था कि हमारा देश किसानों का देश है। जो सरहद पे हमारी रक्षा करते हैं वो भी किसान के बेटे हैं, जो हमारे पेट भरते हैं, हमारे अन्नदाता हैं, वो किसान हैं, जिन्होंने इस धरती को सींचा है वो किसान हैं। और क्योंकि ये बात समझते थे तो हमारी राजनीति में हमेशा, हमारी विचारधारा में हमेशा ये एक सच्चा गहरा आदर रहा देश के किसानों के लिए, आप सब के लिए। लेकिन पिछले 10 सालों से जो सरकार केंद्र में चल रही है, मोदी जी की जो सरकार है, उसमें हमने देखा कि ये जो किसानों की बात करते हैं, आपके सम्मान, आपकी आदर की बात करते हैं, वो सिर्फ मुंह बोली बातें हैं। अंदर से, गहराई से आपके प्रति ना आदर है, ना सम्मान है, ना आपके लिए नीतियां बन रही हैं। 10 सालों से आप देख रहे हैं कि खेती और किसानी से कमाना मुश्किल हो गया है, कोई सुविधा नहीं मिलती सरकार से, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है, जीएसटी से सारी जो जितनी भी खेती की चीजें हैं सब जीएसटी से लदी हुई हैं, महंगी हो गई हैं, खाद भी समय पे नहीं मिलता, एमएसपी इन्होंने बोला था कि देंगे, एमएसपी भी नहीं मिलते। कुछ सालों पहले जब 3 कानून लाए, जिनको आप काले कानून कहते हैं, तो आपने आंदोलन किया, पूरे देश ने देखा कि देश का किसान एकजुट होकर दिल्ली तक आया है। आप दिल्ली में बैठे रहे, सर्दी झेली, सरकार ने बिजली काटी, पानी काटा, कांटे बिछा दिए आपके सामने, आप झुके नहीं, आप बैठे रहे, संघर्ष करते रहे। आप में से 600-700 किसान शहीद हुए, लेकिन मोदी जी ने पलकें नहीं झपकाई, बाहर नहीं आए, आपका आंदोलन चलता रहा, आप संघर्ष करते रहे। जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा था, जब वोटों का समय आया, तब मोदी जी पीछे हटे। जब तक आप शहीद हो रहे थे, जब तक आप आंदोलन कर रहे थे, तब तक आपको देशद्रोही का दर्जा दिया, आपको आतंकवादी कहा, आपसे मिलने नहीं आए, आपकी सुनवाई नहीं की, ये सोचा तक नहीं कि इस देश के लाखों किसान मेरे दरवाजे तक आए हैं, कुछ तो होगा इनकी बात में, होगी इनकी बात, कुछ तो सुनवाई होनी चाहिए, ये सोचा तक नहीं, आपको बुलाया तक नहीं अपने दरवाजे तक, आपको दिल्ली के अंदर आने नहीं दिया। ये सच्चाई है इस सरकार की कि चुनावी मंच पर आकर आपको बड़ी बड़ी बातें बताएंगे, कह देंगे कि एमएसपी मिलेगा आपको, कह देंगे कि आपकी आमदनी दुगनी हो जाएगी, लेकिन सच्चाई ये है कि आपका इतना भी आदर नहीं है। सच्चाई ये है कि भाजपा के नेताओं को पंजाब का जज्बा समझ में ही नहीं आता।
जो पंजाब ने इस देश को दिया है, जो आप सब ने इस देश को दिया है, सिर्फ खेती किसानी से नहीं, अपनी शहादत से, अपनी वीरता से, अपनी शौर्यता से, ये इनकी समझ से बाहर है।